नमस्कार दोस्तों, मैं सिम्मी साहा आज आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक और बेहतरीन एक्ट्रेस की कहानी आपके अपने चैनल बायो बॉलीवुड पर। इस अदाकारा की जिंदगी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। इस वीडियो में जानेंगे इस एक्ट्रेस की जिंदगी का वो सच जिसने इस अदाकारा की जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी। आखिर क्यों इस अभिनेत्री की सिर्फ 16 साल की उम्र में शादी कर दी गई और ये शादी सिर्फ 2 साल के अंदर ही टूट गई। क्यों उनके दूसरे पति ने उनके पीक पर चल रहे करियर पर रोक लगा दी और फिर उन्हें एक रात इतना मारा कि उन्हें मजबूरन अपने पति का घर छोड़ना पड़ा और दोबारा फिल्मों में अपनी किस्मत आजमानी पड़ी। बताएंगे बहुत कुछ खास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस एक्ट्रेस ने 2 शादियां की, पहले अपने परिवार वालों की मर्जी से और दूसरी अपनी पसंद से। लेकिन इस अदाकारा के नसीब में शादी का सुख नहीं था। दोनों ही शादियों से उनके हाथ सिर्फ मायूसी लगी और आज ये अभिनेत्री फिल्म और दुनिया की चकाचौंध से दूर अकेले अपनी जिंदगी गुजार रही है। आज ये एक्ट्रेस इतनी बदल चुकी है कि इन्हें पहचानना मुश्किल है। मुझको अपनी बाहों में सोने दो, किताब पूरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री राखी गुलजार के बारे में। भूरी आंखें, गोरा रंग, चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि जो भी देखे दीवाना हो जाए। आंखों में गजब की कशिश, खूबसूरत काले लंबे घने बाल। राखी का शुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में किया जाता है। सन 1970 से सन 2000 तक के 30 वर्षों में शानदार अभिनय से फिल्म संसार में अपनी अलग पहचान बनाने वाली राखी आज मुंबई से दूर एक फार्म हाउस में बिल्कुल अकेले जीवन जी रही हैं। आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से राखी ने फिल्मी दुनिया और परिवार को छोड़कर अकेले रहने का फैसला किया, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के राणा घाट में हुआ। आजादी के दिन जन्मी राखी मजूमदार अपनी आजादी को कितनी अहमियत देती हैं, ये सब उनकी जिंदगी को देखकर समझा जा सकता है। 70 के दशक से 90 के दशक तक पर्दे पर प्रेमिका से मां बनने तक के सफर में राखी ने दर्शकों को अपने कई रूप दिखाए। राखी की जिंदगी पर नजर डालें तो ये काफी उतार चढ़ाव भरी रही। वो बचपन में एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राखी अभी 16 साल की भी नहीं हुई थी कि 1963 में उनकी एक पत्रकार और फिल्मकार अजय विश्वास से शादी हो गई। ये शादी परिवार की इच्छा से हुई थी, लेकिन ये शादी 2 साल भी नहीं चल सकी और 1965 में दोनों अलग हो गए। जब राखी की पहली शादी नाकाम हुई तो उन्होंने फिल्मों का रुख किया। शुरू में उन्होंने 3 बंगला फिल्मों में काम किया, लेकिन तभी राजश्री प्रोडक्शन के सेठ ताराचंद बरजातिया ने राखी को अपनी फिल्म जीवन मृत्यु के लिए साइन कर लिया, जिसमें उनके हीरो धर्मेंद्र थे। सन 1970 में जब जीवन मृत्यु रिलीज हुई तो ये फिल्म सुपरहिट हो गई। इसके बाद तो राखी के पास एक से एक फिल्मों की लाइन लग गई। जीवन मृत्यु के बाद राखी ने सुबोध मुखर्जी की फिल्म शर्मिली साइन की और फिर सुनील दत्त की रेशमा और शेरा। ये काफी इंटरेस्टिंग था कि शर्मिली में राखी जहां कंचन और कामनी के डबल रोल में थी, वहीं रेशमा और शेरा में राखी की भूमिका काफी छोटी थी। 1973 में रिलीज हुई फिल्म दाग में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी गुलजार एक साथ नजर आए थे। यशराज बैनर तले बनी इस फिल्म में एक्ट्रेस चांदनी के किरदार में नजर आई थी, जो एक अमीर घर से ताल्लुक रखती है। फिल्म में उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया था। सन 1976 में आई अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म कभी कभी में राखी मुख्य किरदार में नजर आई थी। पर्दे पर इन दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस उनकी प्रेमिका के किरदार में नजर आई थी। बेहद दिलचस्प बात यह है कि जहाँ एक तरफ कई फिल्मों में राखी अमिताभ के साथ पर्दे पर रोमांस करती नजर आई,
तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन की माँ की भूमिका भी निभाई थी। देखो मामा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सच पूछे तो तुम याद भी बता रही थी। साल 1978 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में राखी अहम किरदार में नजर आई। इस फिल्म में उन्होंने सिकंदर की प्रेमिका का रोल प्ले किया था। फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। अपने करियर के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ लगभग 13 फिल्मों में काम किया। दोनों की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आती थी। राखी ने अपने समय के सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया, जिनमें मुख्य थे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, राजकुमार और जितेंद्र। लेकिन अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। उन्होंने सन 1967 से 2003 तक अपने करियर में लगभग 91 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से ज्यादातर फिल्में हिट रही। राखी ने अपने समय के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है। राखी उस समय की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी। राखी ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2003 में पद्म श्री पुरस्कार जीता था। पर्दे पर राखी का करियर बेहद शानदार रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में हमेशा काफी उथल पुथल मची रही। बॉलीवुड में आने के बाद राखी की मुलाकात गुलजार से हुई। गुलजार उन दिनों बड़े लेखक थे। इसी दौरान एक फिल्मी पार्टी में राखी और गुलजार की मुलाकात हुई। एक ही नजर में गुलजार राखी के दीवाने हो गए। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आने लगी। तेरी आंखों से ही खुलते हैं सवेरों के उफुक, तेरी आंखों से ही बंद होती है ये सीप की रात, तेरी आंखें हैं या सजदे में गमगीन नमाजी। गुलजार राखी के बंगाली कल्चर से प्रभावित थे, तो वहीं राखी गुलजार की मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी पर फिदा हो गई थी। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 15 मई 1973 को शादी कर ली, जिसमें दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, जितेंद्र और अमिताभ जैसे बड़े सितारों ने शिरकत की थी। गुलजार ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी, और राखी ने ये शर्त मान भी ली थी। शादी के कुछ दिन बाद दोनों की बेटी हुई मेघना, जो अब एक सफल फिल्म निर्देशक और निर्माता बन चुकी है। राखी ने वादा तो किया था कि अब वो कभी फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन उनका मन फिर से फिल्मों की ओर जाने लगा। राखी चाहती थी कि कम से कम गुलजार उन्हें अपनी फिल्मों में एज ए हीरोइन साइन करें, लेकिन वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए। जब भी राखी गुलजार से फिल्मों के ऑफर के बारे में बात करती तो गुलजार उन्हें डांट देते थे। इन्हीं वजहों से दोनों की शादीशुदा जिंदगी में झगड़े शुरू हो गए। अब राखी काफी परेशान रहने लगी, क्योंकि वो एक महत्वाकांक्षी महिला थी और उन्हें लगातार फिल्मों से अच्छे ऑफर मिल रहे थे, जिस कारण से इन दोनों के बीच नाइतफाकी बढ़ने लगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुलजार एक बेहतरीन शायर और फिल्म डायरेक्टर है। वो फिल्म आंधी डायरेक्ट कर रहे थे। जब गुलजार फिल्म आंधी की लोकेशन की तलाश में कश्मीर गए तो राखी को भी अपने साथ ले गए। गुलजार ज्यादातर अपने काम में बिजी रहते और राखी बैठे बैठे सिर्फ बोर हुआ करती। बताते हैं कि जब फिल्म की पूरी टीम वहां पहुंची तो पार्टी रखी गई। इस पार्टी में अभिनेता संजीव कुमार ने ज्यादा शराब पी ली और नशे की हालत में उन्होंने अभिनेत्री सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। गुलजार को यह सब ठीक नहीं लगा तो उन्होंने सुचित्रा को वहां से निकाला और उन्हें कमरे तक पहुंचाया। राखी ने जब ये देखा तो उन्होंने गुलजार से कहा कि उन्हें अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस को कमरे तक छोड़कर आना कैसा लगा। दरअसल राखी की परेशानी ये थी कि वो फिल्म आंधी में खुद काम करना चाहती थी। बताते हैं कि गुलजार इस बात से काफी नाराज हो गए और उनकी राखी से बहस होने लगी। कहा जाता है कि इस झगड़े के बाद गुलजार ने राखी को कमरे में बहुत पीटा। इस दिन के बाद राखी और गुलजार के रिश्तों की कड़वाहट चरम सीमा पर पहुंच गई। अगली सुबह गुलजार के मना करने के बावजूद राखी ने यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में काम करने के लिए हामी भर दी। राखी के फिल्म साइन करने के बाद से ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। राखी और गुलजार के बीच कभी तलाक नहीं हुआ और ना ही कभी किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहा। अलग होने के बावजूद अपनी बेटी के लिए ये दोनों कहीं ना कहीं एक डोर से बंधे हुए हैं।
गुलजार से अलग होने के बाद राखी के लिए उनकी दूसरी पारी धमाकेदार रही, जिसमें उन्होंने कई हिट फिल्में दी। इनमें कभी कभी, कसमे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, काला पत्थर आदि शामिल हैं। एज ए लीड एक्ट्रेस उनकी आखिरी फिल्म 1985 में शशि कपूर के साथ आई पिंगलता आसमान थी। 1980 के आखिरी सालों और 1990 के दशक में उन्होंने बुजुर्ग माँ के रूप में मजबूत चरित्र भूमिकाएं निभाई, जिसमें राम लखन, अनाड़ी, बाजीगर, खलनायक, करण अर्जुन, बॉर्डर, सोल्जर, एक रिश्ता और दिल का रिश्ता फिल्में प्रमुख रही। उनकी आखिरी फिल्म 2003 में शुभ मुहूर्त थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। आज अगर आप उन्हें देखें तो पहली नजर में पहचान भी नहीं पाएंगे। फिल्म फेयर से लेकर नेशनल अवार्ड और पद्मश्री पुरस्कार तक सब मिला उन्हें, बस एक ऐसा साथी नहीं मिला जो उनके लिए ये कह सके कि तेरे बिना भी क्या जीना। राखी इस समय अकेले ही रहती हैं। उनके करीबी बताते हैं कि अपनी शान जिंदगी में जीना उन्हें काफी पसंद है। फिल्मों से पूरी तरह से दूर हो चुकी राखी आज मुंबई से काफी दूर अपने फार्म हाउस पे रहती हैं, जहां वो खेती बाड़ी करती हैं। उन्होंने कई गाय भैंसे पाली हुई हैं और उन्हीं के बीच वो अपनी जिंदगी जी रही हैं। एक बार जब राखी से पूछा गया कि उनके मुंबई से दूर रहने की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें मुंबई शहर में होने वाले शोर से काफी घबराहट होती थी, जिसके चलते उन्होंने मुंबई से दूर रहने का फैसला किया। हालांकि आज भी राखी के चाहने वालों की कमी नहीं है और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, लेकिन राखी अब इस चकाचौंध की दुनिया में वापस नहीं आना चाहती। बायो बॉलीवुड चैनल की ओर से राखी गुलजार को उनकी आने वाली जिंदगी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। रहती हो सितारों में बस रही थी कोई अर्जुन आएंगे, जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे।